दोस्तों, अभी मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिस गांव में वहाँ का प्राकृतिक दृश्य एकदम देख सकते हैं आप। पीछे का दृश्य उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एकदम मस्त। मतलब कि प्राकृतिक व्यू इस तरीके से, मतलब कि ज़्यादातर तो देखने को नहीं मिलते हैं, ये आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेंगे। एक ऐसा गाँव जहाँ पर आपको झमना भी देखने को मिलेगी, और वाह, वहाँ से अभी देखो एक बंदर निकल के जा रहा है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, कहीं काफ़ी दूर है। लेकिन चारों तरफ एक प्राकृतिक दृश्य, मतलब कि जो दिल को सुकून करता है, मतलब कि ऐसे दृश्य, मतलब कि इस लाइफ में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है सारे शहरीकरण की ओर बढ़ने लगा, तो इस तरीके से दृश्य अब मिलना मुश्किल है। देख सकते हैं आप यहाँ पर चारों तरफ, ये देख सकते हैं पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे आपको, और यहाँ पर जमुना भी, मैं वहाँ पर भी आपको ले जाऊँगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ों का ही आपको पहाड़ और प्राकृतिक धरोहर बोल सकते हैं, मतलब कि हरे भरे पेड़ पौधे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर एक बंदर बैठा है, उसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर बैठा हुआ है बंदर, देखो ये अभी गया है बंदर। देख सकते हैं इस प्रकार के यहाँ पर छोटे जीव जंतु आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, पहाड़ पहाड़ ही दिखेंगे। और मैं अभी एक साइड पर ही खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके दूसरी साइड जाने पर और कुछ अलग दृश्य देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है, क्योंकि एक पहाड़ इलाका है, तो यहाँ पर संभल कर चलना भी पड़ेगा। झाड़ियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर खुद को चलना एक चुनौती से कठिनी, तो यहाँ देख सकता हूँ, और मैं जिसका उसका भी आपको व्यू बताता हूँ। आपको अपने खेतों से मिलाने जा रहे हैं, मतलब कि खेतों के पास लेकर जा रहे हैं कि कहाँ पर हमारे खेत हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है, लोकेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब कि हरियाली हरियाली आपको दिखेगी यहाँ पर चारों तरफ। ये वाला हमारा ही खेत है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये देसी यहाँ पर रुकने के लिए रात में जुगाड़ू बोल सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। इसके बाद ये स्पेशल खेती है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसके बारे में डिटेल में जानकारी बताई गई है। तो आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खेती है। इस खेती का नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि इस खेती का नाम क्या है। भाई साहब, आपको अगर पता हो तो इस खेती का नाम बता सकते हैं क्या? मुझे आई किस क्या है खेती का नाम, तो मुझे अभी आइडिया नहीं है इस खेती का नाम क्या है, लेकिन इस खेती के बारे में डिटेल में एक वीडियो हमारे भाई ने बनाई है, तो उसकी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर देख सकते हैं। मतलब कि ये बहुत ही शानदार है, मतलब कि ज़्यादा खर्च नहीं होता इसमें। तो ये हमारा खेत है टोटल, वहाँ पर एक इंजन है, मतलब ट्यूबवेल बोल सकते हैं उससे। और इसके बाद एक खेत हमारा वहाँ पर है वो उसके, और एक थोड़ा आगे है, ठीक है, सारे खेतों से मिलाऊँगा। इसके बाद मैं जमुना पर भी जाऊँगा, वहाँ का भी आपको व्यू बताऊँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, पहले आपको मैं पीछे से बता देता हूँ पूरा व्यू। दोस्तों, जमुना नदी किनारे आ चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर अभी रेत है, लेकिन जब पानी बरसात होता है तो यहाँ पर पानी वहाँ तक ऊपर तक भर जाता है। लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर नदी, यहाँ पर पानी, जमुना नदी का पानी कम हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पक्षी हैं वहाँ पर उस साइड, और अभी पक्षी कम हो चुके हैं, लेकिन अभी 10 मिनट पहले बहुत सारे थे, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर सारे पक्षी उड़ रहे हैं, क्योंकि शाम का मौसम होने, रात होने वाली है, तो अब अपने अपने घर सभी लोग जा रहे हैं, सभी पक्षी, जैसे कि सभी मनुष्य भी जाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारी संख्या मात्रा में थे, मैं आपको गिनती में नहीं बता सकता हूं, सॉरी मैं यहां पर गलत जगह पे आ चुका हूं, क्योंकि यह थोड़ी, और यहां पर सचिन भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूं, क्योंकि यहां पर ज़मीन थोड़ी अच्छी नहीं है। वैसे यहां पर आप बैक फ्लिप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आपको बैक फ्लिप खा के बताता और कुछ स्टंट भी करके बताता, लेकिन अभी समय नहीं है। मैं देख सकता हूँ कोट पहना हूँ, मुझे कोट में उतारना पड़ेगा इसके लिए,
लेकिन मैं आपको उन पक्षियों के पास ले जा रहा हूँ, पक्षियों के पास, ठीक है। और उसके बाद एक मंदिर भी है, उससे बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है। कभी अगर मौका मिला तो वहाँ पर मैं भी आपको ले जाऊँगा। तो यहाँ पर पक्षियाँ बिल्कुल पानी की सतह से अपनी उड़ान भर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पानी की सतह से। मैं आपको बैक कैमरा से बताता हूँ, दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी इस गांव की कुछ अनोखी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस ब्लॉग और इस वीडियो को आप सभी लोगों, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा। और अभी हम यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, तो आपको वो सारी पिक इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। तो अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और आज बहुत ही मज़ा आ रहा, मैं बहुत दूर अपने घर से कम 450 किलोमीटर दूर हूँ, तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। आप सभी लोग इंजॉय करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।